भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। धर्मपुर अस्पताल में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में कोरोना वायरस नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। सुबह के समय भारी संख्या में यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोग पहुंचे। आलम ये रहा कि वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे लोग सोशल डिस्टेंस नियम को ही भूल गए। हालांकि मौके पर मौजूद चिकित्सक सहित स्टाफ के लोग कोरोना नियमों का पालन करवाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहे, लेकिन अधिक भीड़ होने के कारण कोरोना नियमों का पालन न हो सका। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब ऑन स्पॉट पर पंजीकरण किया जा रहा है, ऐसे में गांव के क्षेत्रों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हम देखिए जी, यहां पे वैक्सीन लगाने आए हैं और यहां आने पे हमको जो मैसेज मिला है हमारे मोबाइल पे, हमको डेट दी गई है 21 तारीख की। हम आज आए हैं, 21 को यहां पे बंद था ना, हमें यहां वैक्सीन लगाने दी। और यहां लोग इतने लोग आ चुके हैं कि इनके पास जो वैक्सीन है वो कुल 80 है, जिसमें से इन्होंने बताया है कि 20 लगेगी सेकेंड डोज वालों को और 20 लगेगी नए वालों को, और उसमें से 12 इन्होंने बताई है हमें कि ये लगेगी ऑनलाइन वालों को, जिनकी ऑनलाइन पे हुई है, और 28 इन्होंने रखी है अलग एक्सेस करके। और जो लोग पब्लिक आई है, कोई जावली से, कोई कसौली से, हर जगह से लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मैं हम लोग बुड़ोक से इतने आए हैं कि हद से ज़्यादा आए हैं, और इन्होंने यहाँ आके हमें बताया कि आप लोगों को वैक्सीन हमारे पास नहीं है और हम नहीं लगाना है। डबल वैक्सीन जिसके हमारे सेकंड डोज वाले हैं जो आए हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनको बोलिए कि जिससे ज़्यादा है वैक्सीन इनको प्रोवाइड किया जाए और लोगों को परेशानी ना आए। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मपुर से सतीश दीपटा।